बीजेपी के गठबंधन में सब सती सावित्री है। गलत को गलत कहिए, विपक्ष यदि गलत नहीं है तो कोई माई का लाल कोई एजेंसी कुछ नहीं कर पाएगी। लालू यादव जी ने चोरी किया या जमीन लिया तो आप 9 सालों से गायब कहाँ थे? आप एजेंसी को डराने के लिए रखते हैं, ये गलत है। लालू राबड़ी के यहाँ CBI की छापेमारी चल रही है, वहीं पे लालू यादव के करीबी है अबू दोजाना, उनके यहाँ आज ED की रेड चल रही है। अब इसी को लेकर के जब बातचीत की गई पप्पू यादव से तो वो BJP पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा है कि 7-8 सालों से उनकी केंद्र में सरकार है तो अब तक चार्जशीट लालू यादव पे क्यों नहीं की गई। उन्होंने कहा है कि विपक्षी को डरने की जरूरत नहीं है, जब वो गलत नहीं है तो उन्हें डरना नहीं चाहिए। और भी क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव, छोड़े जाते हैं उनके तमाम बयानों के साथ। बीजेपी के गठबंधन में सब सती सावित्री है, नीतीश कुमार जी को तो कोई घाटा नहीं ना होने जा रहा है भाई। लालू यादव जी ने गलत सही क्या किया? तो आप 7-8 सालों से आप सरकार में आप कहाँ सोए हुए थे? आप अभी तक चार्जशीट क्यों नहीं दिए? आप क्या डरा रहे थे या नीतीश कुमार जी आप दोनों ना मिल जाए इसके लिए आप इंतजार कर रहे थे? तो आपने जब देख लिया नीतीश दोनों मिल गए और आपकी बात नहीं चली तो अब आप डर को खोल रहे हैं। तो अपने तरीके से आप एजेंसीज को चलाइएगा और उसके बाद कुंभकर्ण के नींद में सोइएगा। गलत को गलत कहिए, करिए, मुझे उस पर आपत्ति नहीं है, वो कोर्ट देखेगी। चंद्रचूड़ जी है, विपक्ष को कमजोर होने की जरूरत नहीं है। विपक्ष यदि गलत नहीं है तो कोई माई का लाल कोई एजेंसी कुछ नहीं कर पाएगी। गलत होगा तो डरना होगा, इसको आप समझ लीजिए। सुशील मोदी कह रहे हैं कि वही आदमी हस्ताक्षर किए हैं जो कि कई घोटाला में फंसे हुए हैं। सर, सुशील जी क्या कह रहे हैं पहले तो सुशील जी से पूछिए। बिहार में जो सृजन घोटाले से लेकर के इतना घोटाला है उसमें आप लोगों से और किसी से पूछताछ क्यों नहीं हो रही है? और CBI बिहार के कई घोटाले हुए हैं, इंडिया में कई घोटाले हुए हैं, उसमें क्यों नहीं पूछताछ हो रही है? हथियार खरीदने के घोटाले हुए हैं, कितने बार सवाल हुआ उस पर क्यों नहीं पूछताछ हो रही है? CBI हमेशा, तो सुशील जी से पूछिए कि इतना दिन कहाँ गायब थे? लालू यादव जी ने चोरी किया या जमीन लिया तो आप 9 सालों से गायब कहाँ थे? आप इसके पहले भी पूछताछ आप कर चुके हैं तो एक ही कितने बार हलाल होगा? एक ही बकरा एक ही मुर्गा कितने बार आप फाइनल करिए। जो गलत है उसको कोर्ट में दीजिए, कोर्ट तय करेगी गलत और सही का। आप एजेंसीज को डराने के लिए रखते हैं, ये गलत है। और नीतीश कुमार जी को तो भाई अपर हैंड है नीतीश कुमार जी। लालू यादव जी के परिवार जब चोरी में जेल जाएंगे या फंसेंगे, CBI उसको तंग करेगी, तो नीतीश कुमार जी अकेला ना बचेंगे बिहार में। हो जिस पर कोई सवाल खड़ा नहीं होता तो नीतीश कुमार जी तो पॉलिटिकल और उनको ताकत मिलती जा रही है। एक सवाल सर, नीतीश कुमार ने तेजस्वी को जो उत्तराधिकारी घोषित करने की बात की है तो JDU में कहीं ना कहीं भगदड़ मची है। पहले उपेंद्र कुशवाहा, फिर मीना सिंह और अभी नागालैंड के तमाम जो लोग हैं वो तो समझ में नहीं आता है। नागालैंड एक छोटी पार्टी है। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।